एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। इस चैप्टर की सबसे पहले वेटेज की बात करें तो नीट में इससे हर साल 5+ क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, समझने का चैप्टर है। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें कि रिप्रोडक्शन है क्या एक्चुअली। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग को जो सिमिलर होता है किसके, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म के। रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग जो सिमिलर होते हैं पेरेंटल ऑर्गेनिज्म के। क्वेश्चन अराइज होता है कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म क्यों करता है, व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिज्म अपने स्पीसीज के कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन में कितने ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म है या दो ऑर्गेनिज्म है, इसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करते हैं तो ये जनरली क्या होता है, यूनिपेरेंटल, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो। जब ऑफ स्प्रिंग यानी कि यंग वंस, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन का चाइल्ड है, अगर एक पेरेंट से बनता है, फॉर्मड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपने फर्स्ट चैप्टर इनसाइड में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली क्या होता है, ये जनरली होता है ये बाई पेरेंटल, मतलब इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। बाई पेरेंटल होने से मतलब क्या है कि इसमें जो दो पेरेंट है उनका सेक्स हमेशा क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अब पता लगा कि दो कोई आप लोग दो सेम सेक्स वाले में क्या करा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उससे काम नहीं चलेगा। दो सेम सेक्स में कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो दो पेरेंट हैं उनका क्या होना चाहिए, सेक्स हमेशा अपोजिट होना चाहिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक और फीचर होती है, इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें मियोसिस होता है क्या, इसमें मियोसिस नहीं होता है। और बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें होता है सिनगैमी, यानी कि गैमेट का फ्यूज़न होता है। गैमेट के फ्यूज़न को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ बेसिक बातें आपको जाननी ज़रूरी है, वो ये हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली यूनिपेरेंटल होता है ये। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यूजुअली क्या होता है, बाई पेरेंटल। मियोसिस किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें मियोसिस होता है। इसमें मियोसिस होता है क्या, इसमें मियोसिस नहीं होता है। इसमें मियोसिस होता है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होता है क्या, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अच्छा, इसमें मियोसिस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और इसमें डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस। तो वेरिएशन किस में आता है, एक वर्ड होता है वेरिएशन। वेरिएशन किस में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, वेरिएशन आता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आता है। वेरिएशन आने का रीज़न क्या है, जिसे आप लोग जानते होंगे, किसी भी दो इंडिविजुअल में 99.9% डीएनए क्या करता है, मैच करता है, लेकिन 0.1% डीएनए डिफर करता है। तो जो 0.1% डिफर करता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो दो अलग अलग गैमेट फ्यूज़ करते हैं, तो फ्यूज़ करते हैं तो आप लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन में पेकाइटिन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है ना, रिकॉम्बिनेशन, तो उससे क्या आता है, वेरिएशन आता है। तो वेरिएशन इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस, और इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और इसमें क्या आता है, वेरिएशन आता है। अच्छा, आप लोग पढ़ोगे एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पेज नंबर 8 में मिड पैराग्राफ में एक लाइन लिखा हुआ है कि जब भी ऑर्गेनिज्म को जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल से चेंज कर लेता है। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों चेंज करता है इसे, क्योंकि जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आया तो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, अडेप्ट करना है, तो अडेप्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए, वेरिएशन चाहिए, तब ना अडेप्ट कर पाएगा। तो इसलिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को चेंज कर लेता है। किसमें, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। एक और आप लोग रिप्रोडक्शन का नाम सुनेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन या रिप्रोडक्शन। ये कुछ नहीं होता, ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। तो ये बेसिक बात है। तो ऐसे पिछले चैप्टर की थी, ये कंप्लीट हो गई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो रिप्रोडक्शन तो हो गया आपका, तो उसको देखा। तो हम सब ने रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिक जानकारी तो ले ली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब पढ़ेंगे टॉपिक ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट का मीनिंग समझेंगे। फ्लावरिंग प्लांट हमेशा किसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को बोलते हैं। एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। क्यों बोलते हैं एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म है इसी में सिर्फ बनता है ट्रू फ्लावर्स। ट्रू फ्लावर्स सिर्फ किस में बनता है, एंजियोस्पर्म में। ट्रू फ्लावर्स एंजियोस्पर्म में बनने के कारण इसको क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। ये एनजियो का मीनिंग होता है कवर्ड, कवर्ड। स्पर्म का मीनिंग क्या होता है, सीड होता है। तो एंजियोस्पर्म जो सीड होता है कवर्ड होता है, कहाँ, फ्रूट के अंदर। सीड हमेशा एंजियोस्पर्म में कहाँ कवर्ड होता है, फ्रूट के अंदर। अच्छा, क्योंकि एंजियोस्पर्म में सीड भी बनता है तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्म का मतलब होता है सीड और फाइटा का मतलब होता है प्लांट, मतलब सीड बियरिंग प्लांट को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइटा। ये एंजियोस्पर्म तो है ही, इसका और सीड किस में बनता है, जिम्नोस्पर्म में भी सीड बनता है। सीड यहाँ भी बनता है, सीड एंजियोस्पर्म में भी बनता है, लेकिन जो फ्रूट होता है फ्रूट जिम्नोस्पर्म में नहीं बनता है। फ्रूट हमेशा किस में बनता है, एंजियोस्पर्म में। और ट्रू फ्लावर्स, ट्रू फ्लावर्स जिम्नोस्पर्म में नहीं बनते। ट्रू फ्लावर्स कहाँ बनते हैं, ट्रू फ्लावर्स बनते हैं एंजियोस्पर्म में। तब हम लोग जिम्नो और एंजियो के बारे में बेसिक डिफरेंस पढ़ चुके हैं, क्योंकि सीड दोनों में बनता है लेकिन फ्रूट किसमें बनता है, सिर्फ जिम्नोस्पर्म में। फ्रूट सिर्फ एंजियोस्पर्म में बनता है और ट्रू फ्लावर्स किसमें बनता है, एंजियोस्पर्म में। जब एंजियोस्पर्म की बात ही कर रहे हैं तो सबसे टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात कर लेते हैं। टिपिकल एंजियोस्पर्म बोलते हैं कैप्सुला बर्सा पिस्टोरिस को, जिसको हम लोग कॉमन नेम में इसको बोलते हैं सेफॉइड पर्स। तो कैप्सुला बर्सा पिस्टोरिस इसको टिपिकल एंजियोस्पर्म क्यों बोलते हैं, इसको टिपिकल एंजियोस्पर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैप्सुला में जो भी एंजियोस्पर्म के कॉमन कैरेक्टर हैं सब मिलते हैं कैप्सुला के अंदर। कैप्सुला एक तरह का एनिमल प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है, एनिमल प्लांट। एनिमल प्लांट उसको बोलते हैं जो अपना इंटायर लाइफ साइकिल एक सिंगल सीजन में कंप्लीट करे, उसको क्या बोलते हैं, एनिमल प्लांट। और आप लोग एनसीईआरटी क्लास 12 के पहला चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कि प्लांट के लाइफ साइकिल में जनरली तीन स्टेज आते हैं। एक होता है जुवेनाइल फेज, एक होता है जुवेनाइल फेज को और बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, और एक होता है सेकेंड फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा फेज होता है सीनेसेंस या ओल्ड एज। तो इतना तो बात हो गया किसके बारे में, कैप्सुला के बारे में। कैप्सुला क्या है, एक एनिमल प्लांट है और कैप्सुला के अंदर मिलता है हेटरोस्पोरी। क्या मिलता है कैप्सुला के अंदर, हेटरोस्पोरी।
हेटरोस्पोरी का मतलब है इसमें कैप्सुला के अंदर दो तरह के स्पोर मिलेगा, एक माइक्रोस्पोर मिलेगा जिसे मेल गैमेट बोलते हैं और एक मेगा स्पोर मिलेगा। तो दो तरह का स्पोर मिलेगा। कैप्सुला क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है? कैप्सुला क्रूसीफेरी, जिसे एक और नाम होता है ब्रैसिकेसी। तो कैप्सुला एक तरह का वीट प्लांट होता है। तो कैप्सुला के बारे में आप लोग समझ गए। कैप्सुला क्या है? एक तरह का टिपिकल एंजियोस्पर्म है, जिसको हम लोग कमल्ली क्या बोलते हैं, सेफर्ड पर्स। ये एक तरह का एनुअल वीट प्लांट है, एनुअल वीट प्लांट है। इसके अंदर क्या मिलता है? हेटरोस्पोरी, मतलब इसके अंदर दो तरह का स्पोर मिलेगा, एक माइक्रोस्पोर एक मेगा स्पोर। कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? तो क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। इतना बात कैप्सुला के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चैप्टर के मेन टॉपिक पे आ गए हैं, फ्लावर के बारे में। तो अब हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर को कहते हैं नेचर की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? फ्लावर है। क्यों खूबसूरत चीज है? कि फ्लावर इतना अट्रैक्टिव होता है क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे पॉलिनेटर्स चक्कर लगाते हैं इसके सराउंडिंग में फ्लावर्स के। जैसे कुछ लोग अपने में से भी कुछ लोग उनके घर के आसपास चक्कर लगाते हैं, उसी तरह फ्लावर के आसपास कौन चक्कर लगाते हैं? पॉलिनेटर चक्कर लगाता है। फ्लावर को एनसीईआरटी बोलती है, इट इज अ फ्लावर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी, सौंदर्य। एस्थेटिक ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल का मतलब था सजावटी। सोशल मतलब सामाजिक, रिलीजियस धार्मिक मतलब ऑब्जेक्ट है। फ्लावर कैसा ऑब्जेक्ट है? इन सब एक ह्यूमन के लिए फ्लावर क्या है? सौंदर्य में काम आता है, सजाने में काम आता है। लेकिन एनसीईआरटी बोलती है बायोलॉजिस्ट के लिए, बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है? मोर्फोलॉजिकल इम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है, मोर्फोलॉजिकल इम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। और साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर क्यों है? क्योंकि फ्लावर के अंदर मिलता है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसलिए फ्लावर क्या बोलते हैं? साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको इम्ब्रियोलॉजिकल और मोर्फोलॉजिकल मार्वल क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्लावर की मोर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। और इम्ब्रियोलॉजी मतलब इसके जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, वो भी बहुत अलग अलग फ्लावर में अलग अलग तरीके से होता है। तो इसको देख कर क्या करते हैं? बायोलॉजिस्ट वंडर में आ जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं फ्लावर क्या है? मोर्फोलॉजिकल इम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। एक जनरल फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें चार वर्ल होते हैं। एक जनरली फ्लावर का स्ट्रक्चर है, फ्लावर के स्ट्रक्चर में सबसे नीचे एक छोटी सी डंडी होती है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? पेडिसेल बोलते हैं। और ये पेडिसेल आगे जाके स्वेलिंग थोड़ा स्वेल करता है, स्वेल करने से एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं थैलेमस, थैलेमस या रिसेप्टिकल। उसके बाद एक प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग आता है, सेपल्स बोलते हैं इसको। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन, ग्रीन होता है सेपल्स। सेपल्स आउटर मोस्ट वर्ल बोलते हैं फ्लावर का क्या है? सबसे बाहरी स्ट्रक्चर क्या है? सेपल। उसके बाद क्या आता है? पेटल। उसके बाद क्या आता है? स्टामेन। स्टामेन के दो पार्ट होते हैं, एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं ना आप, इसको बोलते हैं क्या? फिलामेंट। और ये फिलामेंट का ऊपर वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं क्या? एंथर। एंथर के अंदर होता है पोलन सैक, और पोलन सैक के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन। तो एंथर और फिलामेंट को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग? स्टामेन। एंथर और फिलामेंट को मिलाकर क्या बोलते हैं? स्टामेन। स्टामेन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एंड्रोइसियम। क्या बोलते हैं स्टामेन को कलेक्टिवली? एंड्रोइसियम। और ग्रुप ऑफ पेटल को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। और बहुत सारे सेपल्स कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कैलिक्स। अच्छा, और बीच में सबसे इनर मोस्ट जो वर्ल होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? गाइनोसियम। उसके तीन पार्ट हैं,
ऊपर वाला पार्ट जो पोलिन ग्रेन को अट्रैक्ट करता है, ये स्टिकी होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा। उसके बाद लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है किसको, पोलिन ग्रेन को, मतलब फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन में मदद करता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल। और बीच लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं इसको, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स आगे चल के क्या बनाएगा, सीड, और ओवरी आगे चल के क्या बनाएगा, ओवरी आगे चल के बनाएगा फ्रूट। और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसको कलेक्टिवली बोलते हैं क्या, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को कलेक्टिवली बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टिल। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, गाइनोशियम। तो सबसे फ्लावर का आउटर मोस्ट बॉडी क्या है, कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंड्रोशियम, उसके बाद सबसे इनर मोस्ट वर्ड क्या है, गाइनोशियम। गाइनोशियम, गाइनो का मतलब होता है फीमेल और एंड्रो का मीनिंग क्या होता है, मेल। तो एंड्रोशियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है एंड्रोशियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, गाइनोशियम। अच्छा, ओवरी का काम क्या है, ओवरी आगे चल के बनाएगा एग, एग का प्रोडक्शन करना किसका फंक्शन है, ओवरी का। और पोलिन का प्रोडक्शन करना किसका फंक्शन है, एंथर का। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टामेन, स्टामेन के दो पार्ट हैं, एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट, और जिसका जो मेन स्ट्रक्चर है फिलामेंट का ऊपर स्वेलिंग पोर्शन उसको क्या बोलते हैं, एंथर। एंथर के अंदर होता है पोलन सैक, उसके पोलन सैक के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन, थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन मिलता है किसके अंदर, पोलन सैक के अंदर। तो फ्लावर का चार वर्ल की बात कर लिए, तो पहला वर्ल आउटर मोस्ट वर्ल क्या है, कैलिक्स। कैलिक्स किसका ग्रुप है, बहुत सारे सेपल को मिलाकर क्या बोलते हैं, कैलिक्स। बहुत सारे पेटल को मिलाकर क्या बोलते हैं, कोरोला। बहुत सारे स्टामिन को मिलाकर क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। और बहुत सारे एंड्रोशियम और बहुत सारे कार्पेल और पिस्टल को मिलाकर क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। तो चार वर्ल क्या है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। यहाँ तक आप लोग क्या करो, इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लो। फ्लावर के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं कि फ्लावर के जनरल स्ट्रक्चर में कितने वर्ल होते हैं, चार वर्ल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इधर वाले पोर्शन को जो लिखा है मैंने, इसको अभी आपको किसी को नोट नहीं करना है, पहले इधर वाले पोर्शन पूरा समझ लेंगे उसके बाद इसको नोट करेंगे। तो कैलिक्स, कोरोला, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ ले रहे हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो एंड्रोशियम क्या होता है, फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन होता है, इसका यूनिट क्या होता है, स्टामेन होता है। स्टामेन को एक और नेम देते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। और स्टामेन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक क्या होता है, एंथर। जो एंथर होता है उसके अंदर क्या होता है, पोलन सैक। तो पोलन सैक का एक और नाम देते हैं हम लोग, माइक्रोस्पोरेंजिया। और पोलन सैक के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन, उसको एक और नाम देते हैं, माइक्रोस्पोर। और पोलन ग्रेन आगे चले क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट क्या बनता है, मेल गैमेट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी में कई जगह लिखा हुआ है माइक्रोस्पोर, उसका मतलब नहीं समझ में आता है कि पोलन ग्रेन लिखा हुआ है या कुछ और है, ऐसे बहुत जगह लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसका सिंपल सी मीनिंग है, माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब क्या है, ये पोलन सैक। तो इसको आप समझ लेंगे, इसको ये पूरा टर्म याद रखना है, ये पाँचों टर्म, माइक्रोगेमेटोफाइट को और क्या बोलते हैं, मेल गेमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर को दूसरा नाम क्या देते हैं, पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या है, पोलन सैक। स्टामेन का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल। तो अब हम लोग स्टामेन के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टामेन का दूसरा नाम एक और क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल। जैसे स्टामेन का हम लोग जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग स्टॉक है ना, ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और फिलामेंट का ऊपर जो स्वेलिंग पोर्शन है ये दो लोब में डिफ्रेंशिएटेड है, एक लोब तो ये है और एक लोब
ये है, एक एंथरलोब ये है, एक एंथरलोब ये है, मतलब एंथर के अंदर कितने लोब हैं, तो लोब दो है, एक लोब ये है और एक लोब ये है। तो एक लोब के अंदर, एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं। थीका का मीनिंग क्या है? थीका का मीनिंग होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर या सीथ या कवरिंग। ये कुछ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा मान लीजिए। इसमें इसमें दो थीका ऐसे कुछ होंगे और इसके अंदर दो पोलन सैक एक थीका में और एक थीका में दो पोलन सैक, और पोलन सैक के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन। अच्छा, दोनों एक लोब तो ये है एंथर का और एंथर का एक लोब ये है, और दोनों लोब के बीच में ये फिलामेंट का देख रहे हैं ना, ये फिलामेंट का एक्सटेंशन है, फिलामेंट का एक्सटेंशन है, ये स्टेराइल टिश्यू हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? स्टेराइल टिश्यू को क्या बोलते हैं? स्टेराइल टिश्यू को कनेक्टिव। तो स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द टू लोब इज कॉल्ड कनेक्टिव। इससे क्या होता है? फिलामेंट के थ्रू वाटर और न्यूट्रिएंट का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे? इसके अंदर होता है वैस्कुलर बंडल, तो इसके अंदर भी वैस्कुलर बंडल होगा और फिलामेंट का ही एक्सटेंशन क्या है? कनेक्टिव है। तो कनेक्टिव एक स्टेराइल टिश्यू है जो फिलामेंट का एक्सटेंशन है। कहाँ प्रेजेंट है? दोनों एंथरलोब के बीच में। ये कुछ ऐसा है एंथरलोब, ये दो एंथरलोब है, तो कनेक्टिव कुछ ऐसा बीच में होगा। तो ये समझ लिए आप लोग? तो एंथर कैसा है? एंथर में कितने लोब हैं? तो लोब दो हैं और एक लोब के अंदर दो थीका है। ये एक लोब है ना, ये एक लोब, इसके अंदर दो थीका होते हैं। थीका मतलब दो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक पोलन सैक और दूसरे सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर दो पोलन सैक, मतलब जितने पोलन सैक है उतने क्या होंगे? थीका होंगे। तो चार पोलन सैक है तो चार थीका होते हैं, लेकिन एक लोब में कितने थीका? एक लोब में एक थीका। तो दो लोब है तो कितने थीका होंगे? दो थीका। तो इसको बोलेंगे डाइथिकस। एंथर कैसा है अपना? बाई लोब्ड, डाइथिकस। अच्छा, ये एंथर में एक एंथर लोब में दो थीका हैं, तो दो थीका का मतलब दो साइड हैं और एक थीका इधर है, एक थीका इधर है, मतलब टोटल कितने साइड है? चार साइडेड है। हमारा एंथर का लोब कितने साइडेड है? चार साइडेड, और चारों साइड में एक एक क्या है? पोलन सैक है। तो इसको बोलेंगे टेट्रागोनल, और पोलन सैक चारों में एक एक पोलन सैक है, उसको क्या बोलते हैं? पोलन सैक को बोलते हैं ना माइक्रोस्पोरेंजिया, तो चार है तो उसको क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट। अच्छा, पोलन सैक का ये पार्ट जो प्लांट के करीब है इसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉक्सिमल एंड। इसको बोलते हैं डिस्टल एंड। डिस्टल का मतलब होता है दूर और प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में। किसके पास में? प्लांट के मदर एक्सिस के पास में, यानी कि ओरिजिन पॉइंट के अगर पास में जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल एंड, और इसको क्या बोलेंगे? डिस्टल एंड। तो इनसाइड में लिखता है एक पॉइंट कि जो ये अपना स्टामिन का प्रॉक्सिमल एंड है किससे अटैच होता है? यहाँ पर फ्लावर का फोटो बनाया था ना, तो स्टामिन का प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है? फ्लावर के थैलेमस से या पेटल से। तो पढ़ लिए एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, टेट्रागोनल है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। तो अब इस लोब को क्या किया हम लोग ने? लॉन्गिट्यूडनल कट किया है। हॉरिजॉन्टल कट। इसका ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या करते हैं? जैसे ये कुछ कोई स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे कट करेंगे तो ये कैसा कट है? हॉरिजॉन्टल कट, यानी कि इसका ऐसे कुछ कट किया यहाँ से, तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कहाँ है? यहाँ पे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसा है। तो ये चार पोलन सैक इसमें दिख रहे हैं ना, चार पोलन सैक, और ये कनेक्टिव। ऐसे तो रियल में कैसा स्ट्रक्चर है? थ्री डायमेंशनल। तो कनेक्टिव कहाँ होगा? बीच में। इस किसको डिनोट कर रहा है? ये कनेक्टिव को। ये एक पोलन सैक यानी कि ये क्या है? एक माइक्रोस्पोरेंजिया। एक ये पूरा इसको बोलेंगे एक लोब, इसको क्या बोलेंगे? एक लोब या एक, इसके अंदर थीका कितने हैं? एक थीका ये है, एक थीका ये है, दो सैक लाइक स्ट्रक्चर। एक लोब में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर तो ये है और दूसरा सैक लाइक स्ट्रक्चर ये है। तो एंथर का एक लोब ये है, एक लोब ये है,
तो अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, और जो एक लोब में कितने थीका हैं, तो दो थीका हैं, और बाई लोब्ड स्ट्रक्चर में इसमें क्या मिलते हैं, पोलिन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया मिलता है, और एक हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया चार लेयर से कवर्ड होता है। ये देखिए चार लेयर, तो चार लेयर कुछ ऐसा है, पहला इसके लेयर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ये पुलरल माइक्रोस्पोरेंजिया पुलरल फॉर्म होता है, उसका सिंगुलर फॉर्म क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम या एक का ये स्ट्रक्चर है इसका, इसको इनलार्ज करके यहाँ बनाया गया है। तो इसके आउटर मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं इसको, एपिडर्मिस। ये आप देख रहे होंगे ये सिंगल लेयर है, कैसा लेयर है, सिंगल लेयर। इसका जो भी आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, किसका काम होता है, प्रोटेक्शन का। इसका माइक्रोस्पोरेंजिया का जो सेकेंड लेयर है इसका नाम है इंडोथीशियम, क्या नाम है इसका, इंडोथीशियम। ये माइक्रोस्पोरेंजिया की थर्ड लेयर है, इसका क्या नाम है, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और माइक्रोस्पोरेंजिया की जो फोर्थ लेयर है उसको क्या बोलते हैं, टेपिटम, क्या बोलते हैं इसको, टेपिटम। सब लेयर का अलग अलग फंक्शन है। टेपिटम क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं। और ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ सेल्स है ना, इन सेल्स का सबका साइज क्या है, सिमिलर है, तो इस कॉम्पैक्टली पैक्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली पैक्ड है, और इसका साइज क्या है, होमोजीनस साइज का है। तो इसको, इस सेल को क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस, बहुत सारे सेल है तो उसका बोलेंगे, मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू, तो इसको नाम देते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ये डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो उससे क्या बनेगा, पोलन ग्रेन, क्या बनेगा उससे, पोलन ग्रेन या माइक्रो स्पोर्स। तो पहला माइक्रोस्पोरेंजिया का जो पहला लेयर है, पहला लेयर क्या है, एपिडर्मिस, ये सिंगल सेल्ड लेयर है, आप देख रहे हैं इसमें कि सिंगल सेल्ड लेयर है, इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और जो दूसरा लेयर है ये क्या है, इंडोथीशियम, इसमें आप देख रहे हैं ना, ये अल्फा सेलुलोज है, क्या है ये, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर, इसके रेडियल वाल पे जमा होता है। अच्छा, जैसे सेलुलोज की एक प्रॉपर्टी होती है कि यह वाटर को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और वाटर को रिलीज भी कर सकता है, तो ये सेलुलोज इसके रेडियल वाल पे जमा होने से क्या होगा, इसके अंदर का प्लाज्मो डिसमेटल कनेक्शन। तो इंडोथीशियम सेल्स के रेडियल वाल्स पे अल्फा सेलुलोजिक फाइबर के जमा होने से क्या होगा, प्लाज्मो डिसमेटल कनेक्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, उसे क्या, उसके आगे क्या होगा, प्लाज्मो डिसमेटल कनेक्शन ही नहीं रहेगा, तो क्या करेगा, सेल श्रिंक करेगा, उससे सेल के श्रिंक करने से क्या होगा, सेल के श्रिंक करने से एंथर बर्स्ट करेगा, उसी को बोलते हैं क्या, डेंसेंस ऑफ एंथर, मतलब बर्स्टिंग ऑफ एंथर। तो इंडोथीशियम का काम क्या है, इसके अंदर होता है अल्फा सेलुलोजिक फाइबर, ये अल्फा सेलुलोजिक फाइबर इंडोथीशियम को हाइग्रोस्कोपिक बनाता है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इंडोथीशियम अल्फा सेलुलोज जमा होता है इसके सेल्स के रेडियल वॉल्स पे, तो उससे क्या होता है, सेल्स रिंग करेगा, तो उससे क्या करेगा, हेल्प करेगा किसमें, डेहिसेंस ऑफ एंथर में। तो ये भी सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस, और इंडोथीशियम भी कैसा लेयर है, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और ये मिडिल लेयर क्या होता है, 1-2, 1-3 लेयर स्ट्रक्चर होता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में क्या होता है, पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल आप लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी में, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिएंट का स्टोरेज है। और मिडिल लेयर डेहिसेंस के टाइम में सबसे पहले ये डिजेनरेट होता है, कौन सा लेयर, मिडिल लेयर, और उसके अंदर का लेयर है टेपिटम, ये टेपिटम सबसे इनर मोस्ट लेयर है, कौन सा, टेपिटम। टेपिटम भी क्या है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया का सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसका क्या नाम है, टेपिटम। ये न्यूट्रिएटिव लेयर होता है, कैसा लेयर होता है, ये न्यूट्रिएटिव लेयर होता है। और टेपिटम भी कैसा लेयर है, सिंगल लेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है टेपिटम भी। और टेपिटम के सेल इनिशियली तो क्या होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन बाद में बन जाते हैं ये पॉलीप्लॉयड और मल्टी न्यूक्लिएट। इसका रीज़न है, पॉलीप्लॉयड होने का रीज़न इसका है इंडोमाइटोसिस, क्या रीज़न है, टेपिटम सेल के पॉलीप्लॉयड होने का रीज़न है इंडोमाइटोसिस, और टेपिटम सेल के
मल्टी न्यूक्लिएट होने का रीज़न है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। और ये इंडोमाइटोसिस और फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न क्या होता है, ये आप सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो टेप्टम के जो सेल होते हैं मेटाबॉलिकली काफ़ी एक्टिव होते हैं, और जो भी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स या टिश्यू होते हैं जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो उनका न्यूक्लियस क्या होता है, लार्ज होता है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है। तो टेप्टम का काम क्या है, जैसे मिडिल लेयर क्या होता है, इसमें पेरेंट काइमेटस सेल है, तो इस मिडिल लेयर में क्या करता है, मिडिल लेयर में न्यूट्रिएंट का स्टोरेज रहता है, तो उस न्यूट्रिएंट को ये अब्जॉर्ब करता है टेप्टम सेल और प्रोवाइड कर देता है ग्रोइंग एस्पोरोजिनस टिश्यू को। तो टेप्टम का फंक्शन क्या है, ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा मिडिल लेयर से और प्रोवाइड करेगा ये ग्रोइंग एस्पोरोजिनस सेल्स या टिश्यू को। और टेप्टम का एक स्पेशल फंक्शन ये स्पोरोपोलेनिन का प्रोडक्शन करता है, सिंथेसिस करता है, और पोलन किट भी बनाता है, और ये यूविस बॉडी बनाता है। तो आगे हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।